हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अलंकार फार्मेसी क्लासेस अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइक्लोन सेपरेटर। तो चलिए समझते हैं साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। साइक्लोन सेपरेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, साइक्लोन सेपरेटर्स जितने भी होते हैं ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। अब इनमें खासियत क्या होती है, इनमें एक टेंजेंशियल इनलेट होता है और एक्सियल डिस्चार्ज होता है। टेंजेंशियल इनलेट मैं आगे समझाऊंगा टेंजेंशियल इनलेट कैसा दिखता है और क्या होता है, और एक एक्सियल डिस्चार्ज होता है। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो देखिए, अगर साइक्लोन सेपरेटर को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फीड है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस होता है, और साइड से इस तरह से इंट्रोड्यूस होने की वजह से इसे ही हम लोग टेंजेंशियल इनलेट कहते हैं, और देयर इज एन एक्सियल डिस्चार्ज। तो एक्सियल डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि इसमें बेसिकली जो नीचे की तरफ इस साइक्लोन सेपरेटर में ये कुछ इस तरह से दिखता है। हम लोग आगे इसका कंस्ट्रक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो डिस्चार्ज होता है, प्रोडक्ट डिस्चार्ज होता है, वो नीचे की तरफ होता है। और ये जो साइक्लोन सेपरेटर्स हैं ये असल में दो तरह के होते हैं। एक तो जो यूजुअल साइक्लोन सेपरेटर होता है जो कि हम लोग आज डिस्कस भी करेंगे, इनको यूजुअली हम लोग यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फ्रॉम गैस स्ट्रीम। अगर गैसेस से लिक्विड और सॉलिड को रिमूव करना है तो साइक्लोन सेपरेटर को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक और क्लास होती है इन इक्विपमेंट की जिसको कि हम हाइड्रोसाइक्लोन्स भी कहते हैं, और ये जो हाइड्रोसाइक्लोन्स होते हैं इनको हम लोग एक्चुअली में यूज करते हैं लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करने के लिए। मान लीजिए कि एक से ज्यादा लिक्विड है और उन लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है तो हाइड्रोसाइक्लोन्स को यूज करते हैं। और देखिए, ये जो दोनों तरह के साइक्लोन सेपरेटर हैं, वेदर इट में बी ए नॉर्मल साइक्लोन सेपरेटर और हाइड्रोसाइक्लोन्स, ये दोनों बेसिकली एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट इज दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर एक स्पिनिंग कॉलम होता है एयर का, जिससे कि जो पार्टिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स वेट ये सेपरेट हो जाते हैं। इसका प्रिंसिपल अब हम लोग आगे अगली स्लाइड में इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल यहाँ पर साइक्लोन सेपरेटर का क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनर्शियल फोर्सेस जो होती हैं वो जनरेट होती हैं बिकॉज ऑफ दी हाई वेलोसिटी ऑफ फीड। जिस भी एयर से हमें पार्टिकल्स को रिमूव करना है वो फीड जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फास्ट वेलोसिटी से इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से करने की वजह से इनर्शियल फोर्सेस जो होती हैं है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इनर्शियल फोर्सेस यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से जब ये इस तरह से फीड साइक्लोन सेपरेटर में अंदर पहुँचता है तो वह एक स्पिनिंग मोशन ले लेता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, रोटेशनल एक्शन ऑफ द इनलेट स्ट्रीम क्रिएट्स ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड डिसेंड्स इन ए हेलिकल पाथ ऑन द इनसाइड ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा एक स्ट्रांग इनर्शियल फोर्स लगता है, और इनर्शियल फोर्स की वजह से ये जो जो स्ट्रीम है फीड का या फिर जो मिक्सचर है एयर और पार्टिकल्स का बहुत ही हाई वेलोसिटी से इंट्रोड्यूस होता है, और उसका एक राउंड शेप होता है साइक्लोन सेपरेटर का। तो उसकी वजह से अच्छा खासा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। जो एयर होती है वो नीचे की तरफ स्पिन करते हुए इस तरह से आती है, और इस तरह से जब ये स्पिनिंग होती है एयर की तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो वॉल्स होती हैं, जो साइक्लोन सेपरेटर की वॉल्स होती हैं उससे जाकर के टकराते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में। इसलिए ये पार्टिकल्स इससे जैसे ही स्ट्राइक होते हैं वैसे ही वो यहाँ पर धीरे धीरे करके इकट्ठे होने लगते हैं, और फाइनली वो स्लाइड होकर के बॉटम साइड से यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फाइनली हमें मिल जाता है।
तो इस तरह से एयर और पार्टिकल्स को हमने आपस में सेपरेट कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिनकी की डेंसिटी काफी कम होती है, तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर अपने साथ ही यहाँ पर अपने साथ उसको मूव करा ले जाती है। ऊपर का डिस्चार्ज पोर्शन होता है वहां से एयर मूव हो जाती है, और जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको की एयर आसानी से अपने साथ मूव करा सकती है उनको भी लेकर के एयर इस तरह से बाहर निकल जाती है, और जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो हमें प्रोडक्ट के रूप में नीचे की तरफ से यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखिए, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है साइक्लोन सेपरेटर का एक बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। यहाँ पर बेसिकली कोई मूविंग पार्ट होता ही नहीं। जो इनलेट एरिया होता है causes the gas to flow tangentially. तो जो इनलेट एरिया होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि एयर का जो फ्लो है वो टेंजेंशियल हो, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अब सिलेंड्रिकल एरिया जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर बैरल भी बोलते हैं, और एक कोनिकल बेस होता है, और कोनिकल बेस को इंटेंशनली इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और एयर की वेलोसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, और जब सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बढ़ेगा तो हमें ज्यादा अच्छा और रैपिड सेपरेशन पार्टिकल्स का मिलेगा। फाइनली देखिए, यहाँ पर और भी चीजें होती है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में आपने थोड़ा सा देखा होगा तो कुछ चीजें आप खुद भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर दो आउटलेट होते हैं। एक तो आउटलेट होता है टॉप पोर्शन में, और टॉप पोर्शन वाला जो आउटलेट होता है वो किस लिए होता है, यहाँ पर जो फ्लूइड और एयर जो होता है उसके डिस्चार्ज के लिए होता है, और एक यहाँ पर अलग से एक आउटलेट होता है जो कि सॉलिड आउटलेट के लिए बनाया जाता है जो कि उसके बेस पार्ट में होता है, जो जहाँ पर कि हमें डेंस पार्टिकल्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। और ये जो साइक्लोन सेपरेटर्स होते हैं इनको हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इसका जो इनलेट वेलोसिटी है वो यूजुअली 50 फीट पर सेकेंड तक की होती है, और आप इससे समझ सकते हैं कि इससे बहुत अच्छा और हमें सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट मिलता है और बहुत अच्छा हमें सेपरेशन यहाँ पर मिल सकता है। देखिए, इनसाइड सरफेसेस जो होती हैं साइक्लोन सेपरेटर की वो स्मूथ होती हैं। इसमें किसी भी तरह का यहाँ पर ऐसा कोई पोर्शन हम लोग फिट नहीं करते जिससे कि एयर का जो फ्लो पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाए। इनसाइड सरफेस जो भी होती है साइक्लोन सेपरेटर की दैट शुड बी स्मूथ। जितने भी बैंड्स होते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं, और ये इसलिए किया जाता है ताकि हमें एक अच्छा लैमिनर फ्लो दिखाई दे। हमें यहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए एयर के फ्लो के पाथ में, ताकि हम जो सेपरेशन है उसकी एफिशिएंसी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब देखिए, ये इस तरह से दिखता है साइक्लोन सेपरेटर। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो फीड होता है उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि ये जो ये होता है टेंजेंशियल इनलेट, और ऐसा करना क्यों जरूरी है, ताकि यहाँ पर जो बहुत ही हाई वेलोसिटी से जब फीड को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू डॉटेड लाइन ये शो कर रहा है एयर का मूवमेंट को। अगर हम लोग इसको टॉप व्यू से देखते हैं, मान लीजिए साइक्लोन सेपरेटर का, तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम लोग फीड को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो इसे हम लोग टेंजेंशियल इनलेट कहते हैं। तो टेंजेंशियल इनलेट होने की वजह से यहां पर एयर क्या होगी, अंदर इस तरह से घूमेगी, और घूमने की वजह से यहाँ पर सीधी सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा तो पार्टिकल्स जो होंगे वो धीरे धीरे करके देखिएगा यहाँ पर जो इसकी वॉल्स हैं उससे कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड होने के बाद पार्टिकल्स तो नीचे सेपरेट हो जाते हैं और जो एयर होती है वो आउटलेट होता है ऊपर की तरफ वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ये जो फ्लूइड आउटलेट है इसको हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पर बना के रखा है। ये इस तरह का डिजाइन होने की वजह से जो एयर होती है वो फाइन पार्टिकल्स तो सेपरेट हो जाती है, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कोनिकल सेक्शन, ये जो कोनिकल सेक्शन है साइक्लोन सेपरेटर का, वो उससे स्लाइड होते हुए फाइनली हमें प्रोडक्ट आउटलेट जो इस तरह यहां से हमें फाइनली डिस्चार्ज हमें मिल जाता है। अब देखिए, हम लोग इसकी वर्किंग को और थोड़ा समझते हैं। फीड को हमने टेंजेंशियली इनलेट कर दिया हाई वेलोसिटी में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, एक इंटेंस स्पिनिंग मोशन हुआ, और इस तरह से देखो क्या होता है कि ये जो एयर है ये यहाँ पर स्पिन हो रही है, यहाँ पर एक बहुत तेजी से घूम रही है,
और जब ये कोनिकल सेक्शन में पहुंचती है, ये वाला देखो कोनिकल सेक्शन है, ठीक है, ये तो सिलेंड्रिकल बॉडी है और इसको हम लोग बैरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोनिकल सेक्शन में पहुंचता है तो क्या होगा कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, सिलेंड्रिकल बॉडी में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, कोनिकल सेक्शन में क्रॉस सेक्शन कम है, और इसी वजह से क्या होगा कि जब ये एयर इस तरह से घूमती हुई स्पिन होते हुए जब यहाँ पहुंचेगी, जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। इसके डिजाइन का एक यहाँ पर यूनिक एडवांटेज ये है कि जब जैसे ही एयर यहाँ पर पहुंचती है तो बीचों बीच इसके यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा ये जो डॉटेड एरो आपको दिख रही होगी, ये एरिया वो एरिया है जहां पर कि एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है इस तरह से जैसे ही एयर स्पिन करती है। और जैसे ही यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, एयर के पास मूवमेंट करने के लिए अब जगह कम बचती है, तो क्या होता है फाइनली ये जो एयर होती है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और जो बहुत ही ऐसे फाइन पार्टिकल्स हैं जिनको वो कैरी कर सकती है, अदरवाइज वो एज सच यहाँ से ऊपर वाले आउटलेट है वहां से रिमूव हो जाती है। लेकिन जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पार्टिकल्स इससे कोलाइड होते हैं, स्लाइड होते हैं और फाइनली वो इस तरह से प्रोडक्ट आउटलेट हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो साइक्लोन सेपरेटर है यहाँ पर काम करता है और जो कुछ मैंने अभी आपको बताया है वो बेसिकली यहाँ पर वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। देखिए लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है मिडिल में और इस तरह से सेपरेट हो जाता है। अब देखिए कुछ साइक्लोन सेपरेटर ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ एडिशनल मैकेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फैन लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने फैन लगा दिया इस पर्टिकुलर एरिया, ये क्या करेगा कि जो एयर होगा उसको यहाँ पर ज्यादा तेजी से सक करेगा, ठीक है। ये फैन हमें अंदर की तरफ नहीं लगाना है, हमें बाहर की तरफ लगाना है, मतलब कि एयर जो है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हमारे रूम्स में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है। अब देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं साइक्लोन सेपरेटर के, तो साइक्लोन सेपरेटर का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होता है कि इसे हम या तो सीरीज में या फिर पैरेलल दोनों तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम लोग सीरीज अरेंजमेंट करते हैं, मतलब आप एक लाइन में आप यहाँ पर साइक्लोन सेपरेटर्स को आप जोड़ दीजिए और यूजुअली 4 से 6 तक साइक्लोन सेपरेटर आपको दिख भी सकते हैं आपको इस तरह से अरेंज किए हुए। ये तो सीरीज से हो गया, ये पैरेलल हो गया। अब जिस तरह से हमारे पास स्पेस है, जिस तरह का हमारा ऑपरेशन है और जिस तरह के साइक्लोन सेपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है उस तरह से हम इसको सीरीज या पैरेलल में यूज कर सकते हैं। ये हमें ड्राई और वेट कंपोनेंट्स, ये किसी भी तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि सॉलिड गैस का मिक्सचर हो, लिक्विड ड्रॉपलेट या गैस सेपरेशन हो, या फिर जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करना हो। देयर आर सम वेट साइक्लोन्स जो कि हाइड्रोसाइक्लोन्स हैं, जो कि सॉलिड लिक्विड या फिर लिक्विड लिक्विड सेपरेशन हाइड्रोसाइक्लोन्स करते हैं। वेट साइक्लोन्स जो होते हैं वो सॉलिड लिक्विड को इस तरह से भी हम सेपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं और यही इसका एक अच्छा एडवांटेज भी है। अब देखिए एक और एडवांटेज क्या है कि ये जो साइक्लोन सेपरेटर्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी सेडिमेंटेशन बेस्ड जो सेपरेटर्स होते हैं उनसे ज्यादा अच्छी होती है। सेडिमेंटेशन बेस्ड सेपरेटर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा एक टैंक होता है और उस टैंक में सस्पेंशन होता है, उसको हम लोग इस तरह से छोड़ देते हैं, तो जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ जल्दी सेटल हो जाते हैं, वेयर एज जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं पानी का जो स्ट्रीम होता है उसमें ही एज सच रह जाते हैं क्योंकि इनकी सेटल होने की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। तो इस तरह से भी हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन टैंक्स को यूज करके, लेकिन ये जो सेडिमेंटेशन टैंक्स होते हैं उनके कंपैरिजन में साइक्लोन सेपरेटर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा बेटर होती है। अब देखिए और इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, देखिए यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, आपने उसका फिगर देख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मूविंग पार्ट आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ये इसका एक अच्छा एडवांटेज है। ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में आता है, साइक्लोन सेपरेटर आपको 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर के भी दिखेंगे और 5 मीटर तक के जो डायमीटर तक के साइक्लोन सेपरेटर इंडस्ट्रियल एरिया में आपको दिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेशन किस तरह का है और उसी के अकॉर्डिंग हम साइक्लोन सेपरेटर साइज होता है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे छोटा साइक्लोन सेपरेटर का एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब छोटा साइक्लोन सेपरेटर आप यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट वो ग्रेविटी के कंपैरिजन में 2500x टाइम्स वो हमें ग्रेविटी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा फोर्स अप्लाई कर सकता है ना। ये सीधा सा कंसेप्ट है, अगर छोटा साइक्लोन सेपरेटर होगा तो यहाँ पर वो ज्यादा हमें सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट देगा, लेकिन बड़ा अगर साइक्लोन सेपरेटर होगा वो हमें 5x तक का सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है एज कंपेयर टू दी ग्रेविटी वो हमें दे सकता है। तो अब जिस तरह का हमारा प्रोडक्ट हो, जिस तरह का हमें एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट हो, देखिए कुछ ऐसे भी साइक्लोन सेपरेटर हैं तो होंगे जो कि बहुत अच्छा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट प्रोड्यूस कर
करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़े स्केल में अपने प्रोडक्ट को बनाना है तो एफिशिएंसी के साथ साथ आपको हो सकता है कि कंपैरेटिवली साइक्लोन सेपरेटर का साइज भी बड़ा यूज करना पड़ जाए, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली में आपका ऑपरेशन किस तरह का है, उस तरह का आप हाई, मीडियम या फिर लो एफिशिएंट सेपरेटर को यूज कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसको जिसमें कि हमें बहुत ही फाइन सेपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, तो लो एफिशिएंट सेपरेटर्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं उस केस में जबकि इस तरह की जो इंप्यूरिटी होती है उसका कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पर रोल नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर और भी एडवांटेज है, जैसे कि लो कॉस्ट, कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होता, कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है इसमें, आप कंटिन्यू फीड को इंट्रोड्यूस कराते रहो, वो रोटेट होते रहेगी, एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी, आपको जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर मिलता रहेगा। अब देखिए इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला ये कि पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा वेलोसिटी में इंट्रोड्यूस करते हैं, अंदर की जो वॉल्स होती हैं उस वो खराब होते हैं, उसमें कोरोजन हो सकता है, ठीक है। ये तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है साइक्लोन सेपरेटर के इनसाइड वॉल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साइक्लोन सेपरेटर तभी आपका प्रॉपरली वर्क कर पाएगा जबकि दो पार्टिकल्स हैं उनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें एक प्रॉपर डिफरेंस हो। बिल्कुल आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट काम कर रहा है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कि दो पार्टिकल हैं जिनमें कि दोनों की ही डेंसिटी एक जैसी है तो वो दोनों ही बराबर तरीके से ही मूव करेंगे ना, और अगर वो बराबर तरीके से मूव करते हैं तो हो सकता है कि या तो वो एक साथ ही आपको आउटलेट में मिल जाएंगे और या तो फिर वो एक साथ ही एयर के स्ट्रीम के साथ मूव करते हुए, वर्टिकली मूव करते हुए वो जो ऊपर का जो डिस्चार्ज पोर्शन है वहां से मूव कर जाएंगे, तो अल्टीमेटली देयर इज नो प्रैक्टिकल सेपरेशन। और यही रीजन है कि साइक्लोन सेपरेटर आपका तभी अच्छी तरह से काम कर पाएगा जबकि यहां पर फ्रैक्शंस हैं, उनके बीच में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उनकी मटेरियल की उसके बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए। और देखिए साइक्लोन सेपरेटर का एक और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर विस्कस लिक्विड्स होते हैं तो फिर यहां पर उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट तो फिर भी चलिए बनेगा लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि जो वॉल्स होंगे उससे ये जो विस्कस लिक्विड होता है जब वो टकराएगा तो ये बहुत ही धीरे धीरे करके नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, ओवरऑल आउटकम है वो यहाँ पर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ये तो बेटर है कि आप फिर दूसरे सेपरेशन मेथड को यूज कीजिए। यहाँ पर देखिए एक और डिसएडवांटेज है कि इसका जो कॉस्ट और मेंटेनेंस इंक्रीज हो जाएगा अगर आप उसको सीरीज या पैरेलल लाइंस में जोड़ देते हैं। सीरीज में जोड़ देना, पैरेलल में जोड़ देना ये सुनने में अच्छा लगता है और कई बार ये हमारे लिए काफी एडवांटेज भी होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से जोड़ते हैं साइक्लोन सेपरेटर को तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कॉस्ट है और उसका जो मेंटेनेंस होगा वो भी तो इंक्रीज होगा। अगर आप बहुत स्मॉल यूनिट को यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि ओवरऑल देखा जाए ऑन एन एवरेज तो 5 माइक्रोन्स पार्टिकल्स तक के पार्टिकल्स को ये साइक्लोन सेपरेटर आपको यहाँ आउटलेट के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर इससे छोटे अगर पार्टिकल्स होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो एयर के साथ ही ट्रैप होकर के बाहर निकल जाएंगे, तो फीड में भी पार्टिकल्स थे और जो फाइनली जो यहाँ से एयर निकल रही है उसमें भी पार्टिकल्स हैं, तो फिर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रैक्टिकल सेपरेशन इज नॉट देयर। इसीलिए यहाँ पर 5 माइक्रोन से ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होने चाहिए तभी आपका यहाँ पर प्रॉपर सेपरेशन हो पाएगा ऑन एन एवरेज। अब एक और यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स आर, यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में स्टिक हो जाते हैं, ओवरऑल ऑपरेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। अब हम लोग आते हैं इसके यूजेस पार्ट। देखिए ये जो साइक्लोन सेपरेटर होता है इसको हम लोग यूज करते हैं ऑयल रिफाइनरीज में, यहाँ पर इसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं ऑयल्स एंड गैसेस। इसको यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल में टू रिमूव द पार्टिकल्स फ्रॉम स्मोक। इसको यूज किया जाता है किचन वेंटिलेशन में, जो बहुत बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहां पर आप इसको देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो ग्रीस होता है जो एयर में आता है उसको सेपरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्शन हुड्स में इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल होता है, दैट इज द कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसको यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर। वो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि आपके ऐसे कोलीग्स जो कि इस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।